वेलकम टू भास्कर इंटरनेशनल और मैं हूं नमिता आपके साथ। अगर आपको जानना है कि इस हफ्ते कौन सी अंतर्राष्ट्रीय खबरें सुर्खियां बनी और अगर बढ़ाना है आपको अपना अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान, तो इससे अच्छा शो और कोई हो ही नहीं सकता। देखते रहिए भास्कर इंटरनेशनल। हांगकांग में इन दिनों उथल पुथल का माहौल चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से यहां के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ये छात्र 2017 में प्रस्तावित चुनावों में चीन के दखल का विरोध कर रहे हैं। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच रोजाना झड़पें हो रही है। रविवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया और पेपर स्प्रे छोड़ा, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इस बीच छात्र नेताओं ने सरकार के साथ बातचीत के लिए फिर से सहमति जताई है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी करीब एक सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ऐसे व्यक्ति को नामित करने का अधिकार मांग रहे हैं जो 2017 में होने जा रहे चुनावों में उनके नेता के तौर पर खड़ा हो सके। बीजिंग का कहना है कि चुनाव में वही प्रत्याशी खड़े होंगे जिन्हें उसने मंजूरी दी है। गौरतलब है कि हांगकांग का नया नेता चुनने के लिए 2017 में होने वाले चुनाव में उम्मीदवारी के लिए चीन ने नियम निर्धारित कर दिए हैं। लोकतंत्र के समर्थकों को चीन के अनुमोदन के बाद उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के नियम पर एतराज है। प्रदर्शनकारी हांगकांग की राजनीति में चीन के दखल का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। चलिए अब हम आपको इस पूरे मामले के पीछे की कहानी बताते हैं। हांगकांग में प्रदर्शनकारी छात्र चीन के दखल का विरोध कर रहे हैं। चीन ने 2007 में कहा था कि 2017 में हांगकांग के लोग सीधे अपने नेताओं का और 2020 तक कानून निर्माताओं का चुनाव कर सकेंगे। दरअसल 2017 में होने वाले चुनाव में वही उम्मीदवार बन सकता है जिसे चीन की मंजूरी मिली हो। इन्हीं के विरोध में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। काले टी शर्ट और पीले रिबन इन प्रदर्शनों का प्रतीक बन गए हैं। हांगकांग के लोगों का आरोप है कि चीन सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने के अपने वादे से पीछे हट रहा है। इस बात को लेकर हांगकांग में नाराजगी है कि चीन ने समझौते की भावना का उल्लंघन किया है, लेकिन इस बात पर भी गंभीर बहस हो रही है कि क्या वाकई चीन ने समझौते का उल्लंघन किया है। दरअसल हांगकांग पर 150 साल तक शासन करने के बाद ब्रिटेन ने जुलाई 1997 में चीन को सौंप दिया था। हांगकांग को चीन को सौंपने से सालों पहले से ही चीनी नेताओं ने वहां के लोगों से एक व्यक्ति एक वोट का वादा किया था। इसके बाद मई 1998 में वहां चुनाव हुए थे। चीन पहले तो दखल नहीं दे रहा था, लेकिन अब उसके इरादे बदल गए हैं। 2012 में हांगकांग में इतिहास का नया पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए चीन की ओर से निर्देश दिए गए। इसे तथा कथित राष्ट्रवादी इतिहास बताया गया, जिसे चीन की मर्जी के मुताबिक कांट छांट के साथ तैयार किया गया था। हांगकांग के स्कूलों में इस पर काफी नाराजगी थी। इसी तरह जुलाई में चीन की ओर से जारी एक श्वेत पत्र में ये बताया गया कि हांगकांग में नागरिक अधिकार स्वाभाविक तौर पर उन्हें नहीं मिले हैं।
बल्कि चीन की सरकार की मेहरबानी से ये हासिल हुए हैं। इन तमाम कारणों से आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। जाहिर है अगर ये आंदोलन ज्यादा लंबा खींचता है तो हांगकांग की आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाएंगी। इसका प्रभाव चीन पर तो पड़ेगा ही, साथ ही अंतरराष्ट्रीय कारोबार भी प्रभावित होंगे। हांगकांग में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर हैं, लिहाजा निवेश को लेकर भी आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। आईसिस के चंगुल से भाग निकली दो यजीदी लड़कियों ने वहां पर बंदूकों के ऊपर आतंकवादियों के अत्याचार का खुलासा किया है। उनके मुताबिक वहां पर उनको मजबूर किया जाता था कि अपने समुदाय के लोगों का सर कलम करते हुए देखें, और जो लोग नहीं देखते थे या फिर मुंह फेर लेते थे उनके ऊपर जानवरों से भी बदतर जुल्म किया जाता था। वो हैवान है, हैवानियत देखने को करती है मजबूर, सिर कलम होते देखने को करती है मजबूर। आईएस के जुल्म की कहानी, ये सच है और इस सच का खुलासा किया है आईएस के चंगुल से भागी दो लड़कियों ने। इन लड़कियों ने अपनी आपबीती में जो कुछ भी बयां किया वो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। दरअसल इन यजीदी मूल की लड़कियों को आईएस के आतंकियों ने अपनी कैद में रखा था। 15 साल की जारा और 19 साल की तबस्सुम के गांव पर 3 अगस्त को आईएस चरमपंथियों ने हमला किया। तबस्सुम ने बताया है कि उसकी मां, भाई और गर्भवती भावी सुन्नी आतंकियों के हाथ लग गए। महिला और पुरुषों को अलग कर दिया गया और फिर एक कमरे में उन्हें ले जाकर गोलियों से भून दिया गया। आतंकी जारा और तबसुम समेत कई लड़कियों को अपने साथ मोसुल ले गए, जहां उन्हें उन सैकड़ों लड़कियों के साथ रखा जिन्हें बाजार में बेचा जाना था। इन लड़कियों ने बताया कि इनके साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता था, लोगों को बेरहमी से कत्ल किया जाता था और इन्हें लोगों का सिर कलम होते देखने को मजबूर किया जाता था। कुछ लोग इतने सदमे में चले गए कि उन्होंने कई मर्तबा आत्महत्या तक की कोशिश की, लेकिन उन्हें इतना मारा पीटा कि आत्महत्या से भी उन्हें अब डर लगने लगा है। कैसे भागी आतंकियों की कैद से? इन लड़कियों ने बताया है कि उन्होंने खुद को बदसूरत बनाने की कोशिश की ताकि किसी की नजर उन पर ना जाए। एक शुक्रवार आतंकी नमाज पढ़ने गए, इसी बीच जान जोखिम में डालते हुए दोनों यजीदी युवतियां भाग गईं। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से रिश्तेदारों के पास पहुंचा दिया गया। बहरहाल जारा अपने परिवार के साथ इरबिल और तबसुम दोहुक में रह रही है। एक जानकारी के मुताबिक अभी भी 12,000 से ज्यादा यजीदी लापता हैं। इनमें 5,000 महिलाएं और 7,000 पुरुष हैं। दूसरी ओर आईएस ने एक और ब्रिटिश नागरिक एलन हैनिंग की हत्या का वीडियो जारी किया है। हैनिंग का करीब 10 महीने पहले सीरिया से अपहरण कर लिया गया था। सीरिया में वो एक एनजीओ के लिए काम कर रहे थे। इस हत्या की अमेरिका और ब्रिटेन ने कड़ी आलोचना की है। आईएस इससे पहले भी कुछ अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिकों की हत्या कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। जापान के माउंट ओंटेक में ज्वालामुखी फटने से मरने वालों की संख्या 43 हो गई है। ये ज्वालामुखी 27 सितंबर को फटा था और ऐसा माना जा रहा है कि इस ज्वालामुखी के फटने से लगभग 2,00,000 टन राख आसपास फैल गई है। जापान के माउंट ओंटेक में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। खबरों के मुताबिक हादसे में मरने वालों की संख्या 50 से ऊपर हो गई है। माउंट ओंटेक में 27 सितंबर को विस्फोट हुआ था। ओंटेक जापान का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है।
माना जा रहा है कि माउंट ओंटेक अक्टूबर 1979 तक निष्क्रिय पड़ा था। हाल में हुए कई विस्फोटों के कारण करीब 2.25 लाख टन राख फैल गई है। भयंकर आपदा को देखते हुए राहत टीम में पुलिस, दमकल कर्मचारी और सेल्फ डिफेंस फोर्स के लोग शामिल किए गए हैं। खराब मौसम और ज्वालामुखी के ज्यादा सक्रिय होने के कारण राहत कार्यों में परेशानी आ रही है। कई बार बारिश के कारण काम को रोकना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश के पानी से लावा खिसकने का खतरा है। इस हादसे के बाद से कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। ज्वालामुखी फटने से निकली जहरीली गैसों के बढ़ते लेवल से लापता लोगों के बचे रहने की उम्मीद अब बहुत कम हो गई है। राहत कर्मी घुटनों तक राख में घुसकर पीड़ितों को तलाशने और बचाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि ज्वालामुखी की सक्रियता कम हो गई है, किंतु पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। ओंटेक जापान का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बना हुआ है। इसमें 7 साल पहले मामूली सी हलचल हुई थी, जबकि बड़ा विस्फोट 1979 में हुआ था। गौरतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं। 1991 में यहां 43 लोगों की मौत ज्वालामुखी फटने के कारण हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। अफगानिस्तान में मौजूद ज्यादातर नेटो सेनाएं इस साल के अंत तक वापस चली जाएंगी, लेकिन अमेरिकी सेना के 9,800 सैनिक वहीं रहेंगे। ये समझौता हुआ है अफगानिस्तान की नई सरकार और अमेरिका के बीच में। इस समझौते के मुताबिक 2015 के अंत तक ये सेनाएं आधी हो जाएंगी और 2016 के अंत तक अमेरिकी सेनाएं वापस आ जाएंगी। लगता है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका को दी गई सलाह का असर होने लगा है। मोदी ने ओबामा से कहा था कि वो अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाने के फैसले पर विचार करते हुए इस प्रक्रिया को और धीमा करें। अब खबर यह है कि अफगानिस्तान की नई सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अब 2014 के बाद भी अमेरिकी फौज वहां रुकी रहेगी। 2015 तक रहेंगी अमेरिकी फौजें। यूएस अफगानिस्तान सुरक्षा समझौता। 2014 के बाद भी रहेगी अमेरिकी सेना। 9800 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में। 2016 के अंत तक रहेगी सेना। नए समझौते के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद ज्यादातर नेटो सेनाएं इस साल के अंत तक देश छोड़ देंगी, लेकिन 9800 अमेरिकी सैनिक वहां बने रहेंगे। साल 2015 के अंत तक अमेरिकी सैनिकों की संख्या आधी रह जाएगी और 2016 के अंत तक अमेरिकी सेनाएं लगभग पूरी तरह से वापस आ जाएंगी। आईएस के बढ़ते हमलों का असर। दरअसल पहले ओबामा सरकार ने यह तय किया था कि 2014 तक वो अपनी सेनाएं यहां से हटा लेगी, लेकिन इराक में आईएस के सिर उठाने और एक बार फिर से अलकायदा की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए अमेरिका को लगने लगा कि अभी इलाके से हटना सही नहीं है। करजई की पिछली सरकार अमेरिकी सेना के आगे रुकने के हक पे नहीं थी और उसने ऐसे किसी समझौते से इनकार कर दिया था, लेकिन नई सरकार के आने के बाद ये समझौता तय हुआ। इस दौरान अमेरिकी फौजें लोकल आर्मी को आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। चीन ने आईसी से खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका को अपना सहयोग देने की इच्छा जाहिर की है। इस इच्छा से काफी लोग हैरान भी हैं और परेशान भी, क्योंकि पिछले कई सालों से चीन और अमेरिका के संबंध ठीक नहीं है। अगर विशेषज्ञों की माने तो पिछले दिनों बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच में जो मीटिंग्स हुई हैं और उसकी वजह से जो उनके बीच में नजदीकियां आई हैं, उसकी वजह से चाइना परेशान है।
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अब चीन भी शामिल होना चाहता है और इस मामले में वो अमेरिका के साथ हाथ मिलाना चाहता है। चीन की ओर से अमेरिका के सामने जताई गई ये इच्छा काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि चीन और अमेरिका के रिश्ते दुनिया में जग जाहिर हैं। इससे पहले अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ चल रहे प्रयासों में चीन ने किसी भी तरह के सहयोग की पहल नहीं की थी। ड्रैगन के बदले सुर, चीन एक तरफ जहां भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद को लेकर बढ़ते सहयोग को लेकर सतर्क है, तो दूसरी ओर उसकी अपनी समस्याएं भी हैं। चीन भी पिछले करीब 3 वर्षों से आतंकी हमलों और गतिविधियों से जूझ रहा है। चीन में बढ़ता चरमपंथ, पिछले दिनों चीन में हुए धमाके में 50 लोगों की मौत हो गई। चीन इसे आतंकवादियों का हमला मानता है। चीन के शिनजियांग प्रांत में अलगाववादी और धार्मिक कट्टरपंथी सक्रिय हैं, जिस वजह से चीन आगे की सोचने को मजबूर नजर आने लगा है। चीन ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ किसी भी रूप का विरोध करता है और आतंकवाद के खतरे से निपटने में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की इच्छा रखता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ये बात कही। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री चुक हेगल से मुलाकात के दौरान वांग ने कहा कि दोनों पक्षों को एशिया प्रांत क्षेत्र में सकारात्मक बातचीत और सहयोग करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। अमेरिका में जानलेवा इबोला वायरस का पहला मामला सामने आ गया है। ये मामला टेक्सास स्टेट के डलास शहर का है। अस्पताल के मुताबिक इस मरीज को सबसे अलग रखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि इबोला वायरस से अब तक 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इबोला ने अमेरिका में भी दस्तक दे दी है। जानलेवा इबोला वायरस के संक्रमण का पहला मामला टेक्सास के डालास में सामने आया। थॉमस एरिक डंकन नाम के इस मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो डंकन के संपर्क में आए किसी भी व्यक्ति में इबोला के संक्रमण के कोई लक्षण नहीं पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि संक्रमित मरीज को अकेले में रखा जा रहा है। ये मरीज 19 सितंबर को लाइबेरिया से रवाना हुआ और अगले दिन अपने रिश्तेदारों से मिलने अमेरिका पहुंचा। उस दौरान उसमें इबोला से संक्रमित होने के कोई लक्षण मौजूद नहीं थे। गौरतलब है कि पश्चिमी अफ्रीका में इबोला वायरस के संक्रमण से अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि इबोला वायरस मानव इतिहास की सबसे घातक बीमारी है। इस बीमारी से निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों को साझा प्रयास करने होंगे। दूसरी ओर अमेरिका इबोला की रोकथाम के लिए लाइबेरिया में अपने 4000 सैनिकों को भेज सकता है। मौजूदा समय में लाइबेरिया में सिर्फ 205 अमेरिकी सैनिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। आईसिस ने पश्चिमी इराक के 2 शहरों पर हमला किया। पहले हमले में दोनों तरफ की गोलीबारी में 17 सुरक्षाकर्मी और 40 जिहादी मारे गए और दूसरे शहर में पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, जिसमें 4 सुरक्षाकर्मी और 7 सैनिक मारे गए। इराक में जारी है जंग। 2 पश्चिमी शहरों पर आईएस के हमले, 40 आईएस आतंकी हुए ढेर, 17 सुरक्षाकर्मियों की मौत। इराक में आईएस और सुरक्षा बलों के बीच जंग जारी है। आईएस ने अपने ताजा हमले में पश्चिमी इराक के 2 शहरों को निशाना बनाया है।
लेकिन उसे सुरक्षा बलों के कड़े प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा। इस संघर्ष में कम से कम 40 चरमपंथी मारे गए, जबकि 17 सुरक्षा कर्मी की भी मौत हो गई। ये हमले हीत और रमादी शहरों में किए गए। हीत शहर पर हमला। हीत में आईएस आतंकियों ने पुलिस मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 7 पुलिसकर्मी और 4 आर्मी के जवान मारे गए। सबसे पहले आतंकियों ने एक कार से पुलिस मुख्यालय के गेट पर हमला किया, उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी इस हमले का करारा जवाब देते हुए 20 जिहादियों को मार गिराया। रमादी को बनाया निशाना। वहीं दूसरा हमला रमादी शहर पर हुआ। अपने हमले में आतंकियों ने एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, जिसमें सेना के 6 जवान मारे गए। इस इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है और सेना जिहादियों का मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि आईएस के कब्जे वाले इलाकों में अमेरिका के नेतृत्व में हमले जारी हैं। इसमें सीरिया के इलाके शामिल हैं। जमीन पर आईएस का मुकाबला इराक की सेना कर रही है, जबकि संयुक्त सेना हवाई हमले कर रही है। इसी का जवाब देने के लिए आईएस के आतंकियों ने नए सिरे से इराक पर हमले शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। आज के भास्कर इंटरनेशनल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भास्कर न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।